हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड बाय वंदना। दिस इज चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज सॉल्यूशन फॉर 11th स्टैंडर्ड, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। नाउ वन ईयर अगो आई हैव डिस्कस्ड द मोस्टली कंटेंट ऑफ द चैप्टर नंबर 1 इन सो मेनी वीडियोस। दैट वीडियोज लिंक आई विल जस्ट गिव बिलो दैट वन ऑल्सो, प्लीज गो थ्रू दैट। इसके पहले मैंने लगभग एक साल पहले इस चैप्टर के सभी वीडियोस डाले थे, जिसमें मैंने टेक्सबुक का पूरा कंटेंट इसमें डिस्कस किया है। आशा करती हूँ आप मेरे चैनल में सर्च करेंगे, या मैं इस चैनल इस वीडियो के नीचे उसकी लिंक डाल दूँगी, आप उसको ज़रूर एक बार देखिए थ्योरी को। बाद में हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन का जो है वो यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रही हूँ, उसको भी आप फॉलो कीजिए। तो चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम एक्सरसाइज में। कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग। हमें मॉलिकुलर मास यहाँ पे निकालना है, तो उसमें पहला वाला वाटर दिया है, दूसरा वाला कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा वाला जो दिया है वो मीथेन गैस दिया है CH4। चलो वन बाय वन देखते हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर मास निकालना है तो हमें सबसे पहले इसके एटोमिक मास पता होनी चाहिए। जैसे अगर मुझे यहाँ पर मॉलिकुलर मास फॉर वाटर ढूंढना है, मॉलिकुलर मास ऑफ H2O, तो देखिए H2O दो एटम से बना है, दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम जो है आपका ऑक्सीजन। तो दो टू मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ वाटर हाइड्रोजन इज हियर, लगभग 1 लिया जाता है या 1.00 लगभग 8 लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर 1 होल ले लिया। फिर उसके बाद 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 16 पॉइंट कुछ है, लेकिन ज़्यादातर होल नंबर ही लिया जाता है। तो यहाँ पे भी 2.016 और प्लस 16 लगभग 18.016 AMU, ये हो गया हमारा वाटर का। अब उसी तरह से हम दूसरा वाला देख लेते हैं, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इजी है, पहला ए हो गया, अब बी में देख लेते हैं। मॉलिकुलर मास ऑफ CO2, मॉलिकुलर मास ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दो चीज़ों से बना है, 1 एटम ऑफ कार्बन प्लस 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 कार्बन का एटॉमिक मास 12, लगभग हम 12 ही लेते हैं, ऑक्सीजन का 16 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे 12 प्लस 32 दैट मीन्स लगभग आएगा 44 एटॉमिक मास यूनिट, या यू भी लिखा जाता है। और अब इसके बाद आपका थर्ड वन है फॉर द मीथेन, मीथेन के लिए CH4। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एटॉमिक मास सी है, सॉरी मॉलिकुलर मास ऑफ मीथेन, मॉलिकुलर मास ऑफ CH4, बिल्कुल सिंपल है। 1 एटम आपका कार्बन प्लस 4 एटम्स आपके हाइड्रोजन, सो 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, 4 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ही ले लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा फ्रैक्शन वाला नहीं लेंगे। तो 12 प्लस 4 लगभग आपका आता है 16 एटॉमिक मास यूनिट। बस हो गया ये 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन, इस तरह से आपको मॉलिकुलर मास पूछे जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एटम्स। हमें मास परसेंटेज निकालने हैं अलग अलग एलिमेंट्स जो हमारे सोडियम सल्फेट के अंदर प्रेजेंट है, बराबर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका सोडियम सल्फेट का दिया हुआ है, तो हम इसमें लिखते वक्त कैसे लिखेंगे देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोलर मास आपका जो है, हमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि सोडियम सल्फेट दिया है, तो सोडियम सल्फेट में देखिए कौन से एटम हैं। एक सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, मतलब हमें 3 एलिमेंट्स है सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन, इन सभी के मास परसेंटेज इस पूरे सोडियम सल्फेट में कितने हैं ये निकालना है। तो बिल्कुल है, तो पहला काम हमारा आएगा इसमें मोलर मास, हमें सोडियम सल्फेट का निकालना पड़ेगा, मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट। तो बिल्कुल सिंपल है, इसके लिए क्या करेंगे आप यहाँ पे लिखोगे मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट, तो यहाँ पे लिखोगे 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, दो है सोडियम के, प्लस
एक ही एटम असल पर, सो वन मल्टीप्लाई एटोमिक मास ऑफ सल्फर प्लस फोर मल्टीप्लाई एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, राइट। बस हमें ये चीज़ें यहाँ पे इसको लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको सोडियम का एटोमिक मास, उसके बाद सल्फर का और उसके बाद ऑक्सीजन का, ये सब कुछ यहाँ पे आपको समझ में पता होना चाहिए। तो आपका सोडियम का 23 है, सल्फर का आपका 32 है और ऑक्सीजन का 16 है। तो ए 46, 32, 64। बस हमें इस तरह से लेना है और इस तरह से हमारे हो गए 142 हमारा आया एटॉमिक सॉरी मोलर मास ऑफ द सोडियम सल्फेट। बस अब ये हमारा होने के बाद हमें इसमें कितना परसेंट सोडियम है, कितना सल्फेट है, कितना ऑक्सीजन है, ये हमें निकालना। तो सबसे पहले निकालते हैं मास, दैट इज यू कैन से दैट मास परसेंटेज। यहाँ पे लिखते वक्त पहले लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ सोडियम। चलो सोडियम को पहले निकाल लेते हैं। मास परसेंटेज सोडियम को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, कितने हैं हमारे पास मास परसेंटेज के लिए, देख लीजिए। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे नंबर ऑफ लिखोगे, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ सोडियम एटम अपॉन मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट मल्टीप्लाई 100, राइट। बस यहाँ पे निकाल लीजिए 2, फिर आपका यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, यहाँ पे जितना है सॉरी नंबर ऑफ सोडियम एटम्स और मल्टीप्लाई आप इसमें लिखोगे उसका सोडियम एटम मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स प्लस उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास भी लेना पड़ेगा 23, मतलब 2 है और उसके बाद उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड हमारा 142 इंटू 100। बस इसको हमें निकालना है, आप यहाँ पे देख लीजिए 71 और ये आपका लगभग आ जाता है 2300 डिवाइडेड बाय आपका 71, तो लगभग 32.39% आता है। अगर इसको आपको कैलकुलेट करना आता है तो ठीक है, अगर आपको उसमें मुश्किल है तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, मैं इसको आपको बता दूँगी। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सल्फर और आप उसके बाद का ऑक्सीजन, उसके बारे में भी हम देखते हैं। देखिए मैंने अभी सिर्फ सोडियम का निकाला है, अब हमें उसके बाद सल्फर और उसका भी निकालना है। तो आप यहाँ पर लिखोगे मास परसेंटेज, यहाँ पे आप लिखोगे मास परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो देखिए इसमें लिखोगे आपका सल्फर का एटॉमिक मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स की जरूरत नहीं क्योंकि अकेला सल्फर है, इसलिए उसमें कोई ज़रूरी नहीं है। 32 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड 142, ये हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। बस इसके हिसाब से आप देखोगे तो 3200 डिवाइडेड 142, इसको आप रिड्यूस कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो 1600 डिवाइडेड 71। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि ये कैलकुलेट करना मुश्किल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ पे उसका डिवीज़न भी करके दिखा देती हूँ। 71 आपका है और यहाँ पे लगभग आप देख लीजिए 71 अगर आपका इस तरह से 6 आ गया 2 16, राइट। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे तो 71 आया, तो आप देखो 2000 आप देख लो 2 और ये आता है 142, तो 80 राइट 1, फिर से आप 2 से कर सकते हो 142, तो 8 और ये आएगा आपका लगभग
30। ठीक है, अब देखिए 22 आ गया, जीरो लोगे तो पॉइंट दोगे आप। उसके बाद आप देख लीजिए 75 जाए, आपका लगभग 35 आता है, तो हम 5 से करके देखते हैं। 5 से करो 5 35, तो लगभग आपका आएगा यहाँ पे दिस वन, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए आगे 3 से कर सकते हैं हम, क्योंकि 7 3 21 आता है, तो 3 21, तो लगभग आपका आएगा यहाँ पे इतना आता है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 22.53%। अब इसी तरह से हम निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो देख लीजिए भाई, इसमें एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट मल्टीप्लाई 100। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब 4 ऑक्सीजन है, आप देख लीजिए, इसलिए 4 लिखा, मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का 16 डिवाइडेड 142 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मतलब आपको जितने दिए गए हैं उसमें आप कर लो, तो यहाँ पे आपका 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 71, तो 3200 डिवाइडेड 71 आपका आ गया। इस हिसाब से अगर आप देखते हो तो इसको हम निकालना बहुत इजी है। अगर आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि 2 मल्टीप्लाई आप देख लीजिए 1600 डिवाइडेड इस तरह, और हमने ऊपर ही अभी 1600 डिवाइडेड हमने 71 किया, तो आप देख लीजिए ए आया है ना। तो हम इसको सिंपल 2 मल्टीप्लाई 22.53% करो तो कितना आएगा देख लीजिए, लगभग 601 कैरी ऑन, राइट, 44 45। इस तरह से हम देख लीजिए मैंने क्या किया, आपको समझ में आ ही गया होगा। ऊपर का जो दिया है आपका लगभग उसका 3200 डिवाइडेड 71 है, और अभी ऊपर ही हमने किया था 2 मल्टीप्लाई 1600 डिवाइडेड 71, और इसका ऊपर हमने किया किसमें किया, इसमें ऊपर आप देखिए सल्फर में, तो बस उसका लिख लिया परसेंट है, उसका 2 से मल्टी उसका डबल आता है। तो इस तरह से इन सोडियम सल्फेट, पूरा आंसर लिखना ज़रूरी है, मास परसेंटेज ऑफ सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन इज इक्वल टू आपका लगभग सोडियम का जो आता है 32.39% है, आप यहाँ पे देख लीजिए 32.39%, सल्फर का आता है 22.53% और ऑक्सीजन का आता है 50.09%, राइट। तो इस तरह से आप देखो तो इस तरह से आपका लगभग पूरा हो गया, दिस इज द सोडियम सल्फेट होल मास परसेंटेज। आशा करती हूँ आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट आपका है एग्जांपल, दैट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन है। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, हमें एम्पिरिकल फार्मूला ढूंढना है ऑक्साइड्स ऑफ आयरन विच हैज़ कितना दिया है आपका 69.9% आयरन 30.1% डाई ऑक्सीजन बाय मास, और दोनों के एटॉमिक मासेस भी दिए हैं आयरन का और ऑक्सीजन का। तो इसमें सॉल्व करने से बेटर है आप उसका एक चार्ट बना लो तो वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि चार्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं कि वो सब चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चार्ट में क्या क्या चीज़ें आएगी, लगभग इसमें 6 सेक्शन आएंगे चार्ट के, आप देख लो मैं यहाँ पे सेक्शन लिख रही हूँ। पहले यहाँ पे आप लिखोगे एलिमेंट्स, पहला सेक्शन में कौन से एलिमेंट्स है वो एक पहला सेक्शन, उसके बाद दूसरे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास। थर्ड सेक्शन आएगा उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन, उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना दिया हुआ है आपका वो आपको लिखना है। उसके बाद मोल्स ऑफ एटम्स, ये थोड़ा बड़ा आएगा, मोल्स ऑफ एटम कितने मोल्स ऑफ एटम है उसका भी हमें निकालना पड़ेगा। उसके बाद मोल रेशो, आप बोलोगे मोल रेशो कितना है,
मोल रेशियो, ये भी हमें निकालना पड़ेगा। और उसके बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट यू कैन से होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो, ठीक है। बस ये आपके 6 सेक्शन होने चाहिए, आप उसको यहाँ से स्केल के हिसाब से भी करके लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको ये आसानी रहेगी कि आप उसमें पार्ट निकाल सकते हो। तो देखिए हमारे यहाँ पे दो ही एलिमेंट्स दिए हैं, कौन से दो एलिमेंट्स हैं हमारे, एक है आयरन और दूसरा है हमारा ऑक्सीजन। तो देखिए एक है Fe और एक है ऑक्सीजन। तो देखिए एटॉमिक मास आपको दिया ही है तो हम होल नंबर में ही ले लेते हैं, लगभग 55.865 दिया है तो हम 56 लेते हैं, और ऑक्सीजन का आपका 16 दिया है, और मास परसेंटेज उन्होंने यहाँ पे दिया ही है 69.9% फॉर द आयरन एंड ऑक्सीजन 30.1%। चलो उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स एन होता है तो डब्ल्यू बाय एम लिखते हैं हम हमेशा, W means mass in whatever that in gram divided molecular mass या atomic mass, यहाँ पे elements का है इसीलिए atomic mass of that atom in gram divided उसका atomic mass, तो जितने percentage होते हैं उतने ही gram होता है, इसलिए आप अगर Fe का निकालना है तो हम निकालेंगे 69.9 gram divided उसका molecular mass, अगर आपका है atomic mass जो है वो 56, तो राइट तो यहाँ पे लिखते वक्त 69.9 डिवाइडेड 56, इसको डिवीज़न भी करके देखते हैं 69.9 डिवाइडेड 56, तो 56 वन जार 56 आपका आया 3 एंड 19, राइट। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो 56 टू पॉइंट ले लेते हैं तो ये 139 हो जाएगा, तो 2 से करके देखते हैं तो 2 राइट और 10 11 11.2 हो गया, ए 7 एंड ए 2, तो लगभग आपका आया ए 2, ए 0 ले लो तो आपका बन जाएगा 55,000, आप 5 से करके देखो तो लगभग आपका आ जाता है 38, ज़्यादा आ जाता है तो भी हम उसको नियर बाय 125 ही ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आ गया लगभग, आप देख लीजिए यहाँ पे 1.25। अब नीचे है आपका दिया मास, आयरन का भी देख लीजिए, आयरन का हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स फॉर द ऑक्सीजन आल्सो वी कैन कैलकुलेट हियर, तो वेट ऑक्सीजन का एटॉमिक सॉरी वेट इन ग्राम दिया है, जो परसेंटेज आएगा वही वेट इन ग्राम आता है और वो है 30.1 और उसका मॉल एटॉमिक वेट 16, तो इसका भी डिवीज़न यहाँ पे करके देखते हैं 30.1 16 तो लगभग आता है आपका 14.1, मतलब आप देख लीजिए। अब यहाँ पे हम इसको भी डिवाइड करके देखते हैं 16 लगभग आपका 9 में 144 होता है तो 8 से करके देखते हैं 8 6 48 और ये 128 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा लगभग आप देखिए 3 एंड 1, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 0 फिर से 8 आ जाएगा क्योंकि 128 फिर से लिख सकते हैं, राइट। मतलब यहाँ पे आएगा 30.1 डिवाइडेड 16, नंबर ऑफ मोल्स आए हमारे 1.88। अभी हमारा नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद हमें उसका मोल रेशियो निकालना होता है। जब भी हम मोल रेशियो निकालते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों में से देखते हैं कि जो स्मॉलेस्ट है ना, इन दोनों में से ए स्मॉलेस्ट है तो उस स्मॉलेस्ट से दोनों को डिवाइड कर देते हैं जिससे हमारा एक पूरा होल नंबर आ जाता है। मतलब जो स्मॉलेस्ट है रेशियो दिया हुआ इन दोनों में से, उनको दोनों को डिवाइड करना है तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे अगर आप दिखते हो तो 188 डिवाइडेड 125 अगर इसका डिवाइड करोगे तो ये डिवीज़न करने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है, लेकिन अगर आप सिंपल उसको अगर करते हो सॉल्व करने की कोशिश तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है, नो इश्यू। बहुत सारे बच्चों को इसी में तकलीफ होती है कि क्योंकि ये चीज़ें नहीं आती, कैलसी अलाउड नहीं है, तो आप क्या करेंगे 188 डिवाइडेड 1 आपका दिया है वहाँ पे 25, तो हम यहाँ पे लिख लेते 188 125, तो आप देखो 1 जार 1 125, तो लगभग 3 और ये 6 और ये 0 आ गया, और आपको पता है कि यहाँ पे ये 0 लिया हमने इसलिए यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा। तो अब देखो 12 5 जार 60 आता है, राइट। तो 125 को 6 5 से करके देखो
लगभग 16 ये आ गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 1.5। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज़ योर 1, ये हमारा रेशियो जो दिया है उन्होंने, दिस इज़ योर 1, ये रेशियो हमारा 1 आया और ये आया 1.5, ठीक है 1.50। अब देखो सिंपलेस्ट होल नंबर लेना है, तो आपको पता है 1 के लिए तो 1 ही आएगा, लेकिन 1.5 का जो सिंपलेस्ट होल जो है अब लेते हो तो यहाँ पे क्या करोगे आप, देखिए बिल्कुल है, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है होल में तो मैं डायरेक्ट 1.5 का 1 भी नहीं ले सकती, 2 भी नहीं ले सकती, तो मैं एक आइडिया करती हूँ, इसको मल्टीप्लाई 2 करूँगी, इसको भी मल्टीप्लाई मैं 2 से कर दूँगी, तो ये मेरा 3 हो जाएगा, तो नेचुरली ये कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो होल नंबर लेने के लिए मुझे ये आइडिया करनी पड़ी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया, तो नेचुरली ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आपका यहाँ पे Fe2 आया है, तो Fe2 और ऑक्सीजन कितना आया है 3 आया है, इसीलिए इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा आपका Fe2O3, राइट। इस तरह से हमारे इस तरह का एक एम्पिरिकल फार्मूला आपका हो गया। किसी को अगर लग रहा है कि डिवीज़न आपको ज़रूरी है, नहीं, एक रफ पेज पे आपको पता है जब भी कोई एग्ज़ाम में आता है तो लास्ट पेज पे हम पेंसिल से करते रफ वर्क करके, ये करना ज़रूरी क्योंकि कैल्शियम अलाउड नहीं है, आप JEE लो, नीट लो, उसमें कोई भी चीज़ में बोर्ड के एग्ज़ाम लो, आपको यही सिंपलेस्ट मेथड यूज़ करनी पड़ेगी और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बच्चे क्या करते हैं जब रेगुलर स्कूल में हो या घर पे हो तो वो कैल्सी से करते हैं, फिर एग्ज़ाम में उनको तकलीफ होती है क्योंकि तब स्पीड अप नहीं कर पाते, कैल्सी नहीं होता है, फिर इसकी प्रैक्टिस नहीं होती, तब उनको बहुत तकलीफ होती है, इसलिए जब भी करो तो इस तरह से ही सॉल्व करो तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैं 5 प्रॉब्लम डिस्कस करने वाली हूँ, इसलिए ज़्यादा ये नहीं करना है तो बच्चे बोर हो जाते हैं, लेकिन प्लीज़ डोंट डू दैट वन बिकॉज एक्सरसाइज इज़ बिग और हमें उसको 4-5 वीडियो में ख़त्म करना है। सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डैट वुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ दिस। अब इसको निकालते वक्त किस तरह से निकालना है बहुत सिंपल है, देखिए मैं आपको इसका एक आइडिया बताती हूँ। बच्चे बहुत बार है ना एग्जाम में प्रॉब्लम को पढ़ते नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम को अगर आप पढ़ते हो ना तो बहुत आसान हो जाता है समझना। आपको यहाँ पे क्या दिया है पहले समझ लो कि क्या करना है। हमें बोला है कि 1 मोल कार्बन, चलो 1 मोल कार्बन मतलब 1 कार्बन मैं अगर हवा में बर्न करती हूँ तो हवा में आपको पता है ऑक्सीजन में ही बर्न करोगे तो आपका बनेगा CO2। आप समझ रहे हो, 1 मोल कार्बन लिया, 1 मोल ऑक्सीजन गैस लिया, उसको 1 मोल आपका क्या बना दिस वन, ये भी 1 ही मोल ले रहे, 1 मोल ले रहे, दिस इज 1 मोल राइट, ये भी 1 मोल है और बना भी आपका क्या बना 1 मोल CO2 बना। तो 1 मोल कार्बन बर्न करते हवा में तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो आपको क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमें कितनी अमाउंट प्रोड्यूस होगी वो देखनी। जब 1 मोल लेते हैं कार्बन सो इससे 1 ही मोल बनता है CO2 और 1 मोल CO2 मतलब कितना आता है, 1 मोल CO2 मतलब कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन का आपका 16 मतलब लगभग आता है 44 ग्राम ऑफ CO2 और 1 मोल आप लिख सकते हो ऑफ CO2। ये पहले का आंसर आपका हो गया राइट। अब यहाँ पे जो दिया है उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से आपको समझा देती हूँ क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसा लिखना है उनको वही नहीं समझ में आता, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ किस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे देखिए आपको बता कैसे करेंगे आप। इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे लिखते वक्त कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे 2 नंबर का है क्या दिखा है, देखिए ऊपर हम देखते हैं कि अगर 1 मोल कार्बन लेते हैं तो हमें
क्या मिलता है आपको, 1 मोल कार्बन बर्न विथ इस O2 है, O2 मतलब आपको पता है कितना आएगा, 32 ग्राम O2 गिव्स हमें देता है 1 मोल CO2। एग्री विद दिस वन? अगर 1 मोल कार्बन हम 32 ग्राम O2 के साथ करते हो तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, राइट? तो अब मुझे बताइए कि 1 मोल अगर आप कार्बन बर्न्ड विथ कितने 16 ग्राम आप लो O2 के साथ तो कितना हमें मिलेगा। बिल्कुल है, 16 ग्राम है, इसका मतलब आप देख लीजिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे 10 द जीरो आपका जो है बर्न होगा इसके साथ, राइट? तो हमें यहाँ पे पूछा गया है सिप्स कंबाइन होता है कितना, दिस वन, तो कितना आपका यहाँ पे बर्न होगा, तो यहाँ पे आपका कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो आप यहाँ पे लिखते वक्त इस तरह से लिखोगे, अगर आपका 1 मोल में इतना लगता है तो यहाँ पे वी 1/2 मोल ही लगेगा और 16 ग्राम ही लगेगा और ए भी कितना लगेगा, 1/2 मोल CO2। 1/2 मोल CO2 मीन्स कितना आएगा आपका, 22 ग्राम ऑफ CO2। आप समझ रहे हो, जब 1 मोल लेते हो तो 32 से 1 मोल बनता है, जब आप 16 ग्राम लेते हो तो इसका भी आधा लेना पड़ेगा, तो नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड भी आधा ही बनेगा, मतलब 22 ग्राम ऑफ CO2 बनाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड केस जो दी आपकी, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि डाइऑक्सीजन, ओके, यहाँ पे थर्ड केस जो है बहुत इंटरेस्टिंग केस है। थर्ड केस में आपको क्या दिया है मैं बता देती हूँ। इन द थर्ड केस वेरी सिंपल, 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। देखो तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यहाँ पे आपका डाई ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, याद रखना आप। यहाँ पे आप लिखते वक्त लिखोगे, सो इन दिस थर्ड में लिखोगे आप, क्या लिखोगे थर्ड में, आपको पूछा है उन्होंने कि अगर थर्ड में 2 मोल्स ऑफ कार्बन बर्न 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन तो कितना मोल्स CO2 बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो आप आंसर लिखते वक्त लिखोगे, हियर डाई ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, आप याद रखो। इसीलिए आप अगर 2 कार्बन लेते हो 2 मोल्स और ऑक्सीजन ले रहे हो 16 ही ग्राम ले रहे हो, मतलब आप समझ लो कि यहाँ पे 1/2 O2 ही लोगे आप। आप लेते वक्त कितना लोगे, 1/2 O2 ही लोगे, तो उसके लिए नेचुरली 1/2 O2 ले रहे हो तो 1/2 आपका CO2 ही बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे कितना भी कार्बन ले लो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, बनने वाला जो हमारा ऑक्सीजन जो है जिस तरह का लिमिटिंग रिएजेंट होने के कारण हमें बनेगा, यहाँ पे आपका यू फाइंड दैट डाई ऑक्सीजन लिमिटिंग होने के कारण सिप हियर ओनली 1/2 मोल कार्बन बर्न्ड विथ 1/2 मोल ऑक्सीजन गिविंग 1/2 मोल CO2 दैट इज 22 ग्राम ऑफ CO2। मीन्स सिर्फ यहाँ पे दो नहीं, कितना जलेगा, 1/2 कार्बन ही लगे। सो दिस इज द आंसर। तो पहले का आंसर आपका आया कितना, 44 ग्राम CO2। सेकंड का आंसर आपका आया लगभग कितना आपका, वो भी 22 ग्राम। और थर्ड का आंसर भी आपका आया 22 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, इस तरह से हमारा हो गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई
इस क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट। आशा करती हूँ कि ऊपर वाला प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है कि आपको निकालना है कि कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं जिस तरह के वहाँ पे दिए हैं। चलो फिफ्थ प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर मास सोडियम का दिया हुआ है, सोडियम एसिटेट का। सबसे पहले हमें क्या निकालना है और क्या दिया है उस गिवन चीज़ में, आपको सबसे पहले वो चीज़ें लिख लेनी चाहिए। आपको यहाँ पे दिया है, पहला गिवन में लिख लीजिए आप, गिवन क्या क्या चाहिए है। पहले मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट, इसका मोलर मास दिया है लगभग 82.0245 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये पहली चीज़ दी है। दूसरी चीज़ आपको क्या दी है उन्होंने, कि भाई मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, कितने मोलर का है आपको दिया है। वी हैव टू फाइंड आउट कि भाई कितना मोलैरिटी एक्वस सॉल्यूशन है, कितना है दैट वन 0.37 मोलैरिटी एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये दिया। अब यहाँ पे हम थोड़ी वन बाय वन करते हैं। अगर यहाँ पे आपको दिया है 0.375 मोलैरिटी एक्वस सॉल्यूशन, मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आपका सॉल्यूशन मींस 0.375 मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट्स प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन आपका दिया है सॉल्यूशन में, इतने मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में है। आप समझ रहे हो मतलब, तो आप समझ लो हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट्स प्रेजेंट इन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमें 500 ml सॉल्यूशन बनाना है। आप क्वेश्चन देख लीजिए, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ दिस मोलर सॉल्यूशन। उसका हमें मास निकालना है, किसका, सोडियम एसिटेट का कितना मास चाहिए ग्राम में अगर हमें इतनी मोलैरिटी का ओनली 500 ml बनाना है। अभी हमने देखा कि इतना मोल्स लगता है, अगर 1000 है तो 500 में कितना लगेगा। देखो 1000 में इतना, तो 500 में कितना, तो हम क्या करेंगे 500 ऊपर नीचे 1000 मल्टीप्लाई 0.375, दैट इज 0.375 डिवाइडेड 2 मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट निकाल सकते हैं, राइट, दिस मोल्स ऑफ एसीटेट। तो आप यहाँ पे हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके मोल्स निकालने तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। उसके मोल्स के लिए कैलकुलेशन है हमारे पास। देखो व्हाट इज मीनिंग बाय दिस वन, देखो इसको कैलकुलेट करते हैं। 0.375 डिवाइडेड 2 मोल्स ऑफ CH3COONa मीन्स 0.375 डिवाइडेड दिस, इसका मॉलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, कितना दिया है लगभग 82.0245। बस इसको कर दो, यहाँ से 24 1012, फिर उसके बाद 2, राइट, और एक 5। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आएगा, आप यहाँ पे निकाल लो तो लगभग आता है आपका, अगर करते हो तो 15.38 ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट। तो इस तरह से मैंने आपसे 5 प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए एक्सरसाइज के। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे। प्लीज़
share this video to maximum students and subscribe my channel Chemistry World by Vandana. And if you have any suggestion, आपको अगर लग रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए. मैं आगे के नेक्स्ट और 5 चीज़ें आप उसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी. अगर आप कुछ चाहते हो और दूसरी चीज़ें तो ज़रूर मुझे लिखिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी वीडियो. प्लीज़ शेयर टू इट मैक्सिमम स्टूडेंट्स.